अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। थकावट हो गई है। चाय कॉफी मंगवाओ भाई। रशीद, गुड आइडिया। मेरे लिए चाय लाओ। आप लोग क्या पियेंगे? कॉफी प्लीज। कॉफी मेरे लिए भी। कॉफी मेरे लिए कुछ भी नहीं। मामू जान मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा जाओ। सुनो जी, सुबह 10 बजे नाश्ता लेकर जाना है बीनी के घर। ठीक है मामी, चले जाएंगे। ऐसे कैसे जाएंगे 10 बजे? सुबह तुम्हारा एग्जाम है, भूल गई हो क्या? 10 बजे तो नहीं जा सकते? कोई बात नहीं वली, फिर कभी दे दूंगी। हाय मैं क्यों नहीं दोगी पेपर? 2 साल तुम्हारे वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर दे दूंगी। ऐसे कैसे? पेपर देना बहुत जरूरी है। तुम जाओ जाके अपनी तैयारी करो पेपर की। नाश्ता ले जाने के लिए और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे। जाओ बेटा। थैंक यू बाबा। बाबा बिल्कुल ठीक है, शादी के कामों की वजह से वैसे ही तुम स्टडी नहीं कर पाए। तुम रूम में जाओ, रिवीजन करो। ना मामा प्लीज, आप उर्वशी से अभी इस बात पे नाराज मत होइए। आप उसे परमिशन दे दें। जब तुम दोनों बाप बेटे ने परमिशन दे दे तो मेरी क्या औकात है? परेशान ना हो, तुम्हारी माँ का गुस्सा 2 दिन में कर जाएगा, लेकिन ये गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। आराम से उसे पेपर देना। तो जाओ तुम भी जाके आराम करो, कॉफी में कमरे में भिजवा रहा हूँ। थैंक यू बाबा। अंकल तुम्हारे साथ हैं, वलीद भाई तुम्हारे साथ हैं, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? और खबरदार अगर तुमने बीनी की वजह से पेपर छोड़ा। अभी जज्बाती हो गई ना तो उम्र भर पछताओगी। यार चारी बहुत नॉर्मल है, फेल होने से बेहतर है कि मैं पेपर ही ना दूं। फेल तो तुम नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। ब्रेव गर्ल, तुम कर सकती हो और तुम कर लोगी। अच्छा चलो अब मुझे पढ़ने दो, बाद में बात करती हूँ, बल्कि सुबह बात करते हैं यूनिवर्सिटी में। ओके ओके बाय। तुम तैयारी करो, सुबह यूनि में मुलाकात होती है। ओके बाय बाय। क्यों हंस रहे हैं? हंसी इसलिए आ रही है कि अभी तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें ब्रेव गर्ल कहा। अब देख लो बेगम साहब, इज्जत का सवाल है, इज्जत पे बात आ रही है। साबित करके दिखाना है तुम ब्रेव गर्ल। मैं कोई ब्रेव शेव नहीं, वह ऐसी मुझे बटरिंग करती है। बटरिंग नहीं करती, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए तुम्हें मोटिवेट करती है। सिंसियर है ना तुम्हारे साथ? मेरा पेपर है, मैं पढ़ लूं? तो पढ़ लो, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे तुमसे। बोले, सुन रही हूँ मैं। जैसे आज ना तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। जानती हूँ, अगर आपकी बात पूरी हो गई तो मैं पढ़ लूंगा, आप जाके सो जाए। मैं सो जाऊंगा हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मेरा पेपर है सुबह। मुझे पता है कि तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो। क्यों? ये जो तुम्हें बाबा की सपोर्ट मिली है ना अभी, इसके बाद तुम सुपर पावर बन गई हो। लेकिन मामी की सपोर्ट नहीं मिली। ये बात तो है, लेकिन देखो एक के मुकाबले में 2 वोट्स हैं तुम्हारे, एक बाबा का और एक मैं, इसलिए तुम। ठीक है मैं सब कुछ समझ गई, अब मैं पढ़ लूं। पढ़ो पढ़ो। फरीद, अरे बाल आ रहे हैं तुम्हारे फेस पे। मैंने कहा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा होगा ना? मुझे सब नजर आ रहा है। अच्छा हाँ। अच्छा मुझे बताओ तुम क्या पढ़ रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। दिखाओ इस ये। मैं जानती थी कि आपका फोन आएगा। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ रही हूँ? जी पढ़ाई कर रही हूँ। रात भर पढ़ती रही हो? नहीं अम्मी, 2 घंटे के लिए सोई थी क्योंकि बहुत थक गई थी।
मैंने तुम्हारे लिए वजीफा पढ़ा है, बहुत दुआएं की हैं, देखना इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तुम्हारा। थैंक यू अम्मी, आपकी कॉल ने मुझे बहुत मुतमईन कर दिया। परोसा, 7 बार दुरूद शरीफ और फिर आयतुल कुर्सी पढ़कर जाना पेपर देने से पहले। नमाज पढ़ ली? जी पढ़ ली। चलो फिर अपनी तैयारी करो और पेपर के बाद मुझे लाजमी बताना कैसा हुआ है। बस आप दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी जान, अपना ख्याल रखना, मेरी बच्ची को कामयाब कर दे। गुड मॉर्निंग बेटा, माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रही हो। खुश हो ना? जी आंटी। ब्रेकफास्ट किया? मॉम नाश्ता लेकर आ रही। अच्छी बात है। हेलो राहिल, तुम्हें याद है ना बेटा आज मेरी फ्लाइट है? हाँ हाँ याद है, बिल्कुल याद है मुझे। क्या मतलब आप कहीं जा रही हैं? अरे तुम्हें राहिल ने नहीं बताया? आज शाम मैं वापस जा रही हूँ अमेरिका। ये क्या बात हुई आंटी, कल तो हमारी शादी हुई है और आप इतनी जल्दी जा रही हैं? ओ बेटा, शादी करवाना मकसद था क्यों राहिल? हाँ बिल्कुल ठीक। जो पूरा हो गया, अब मैं एक दिन रुकूं या एक महीना, क्या फर्क पड़ता है? मैं ज्यादा दिन रुक नहीं सकती ना मेरा बच्चा। बेबी, मामा को बहुत इमरजेंसी काम है और वैसे भी हमें हनीमून पे अमेरिका तो जाना ही है, वहाँ मिल लेंगे मामा से। क्यों मामा? बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम बीनी को लेके जरूर आना मेरे पास। और मेरी बात सुनो, इसका बहुत ख्याल रखना, बहुत क्यूट, बहुत अच्छी बच्ची है। मैं इसका बहुत से भी बहुत ज्यादा ख्याल रखूं। चले आंटी, कोई बात नहीं। आ जाओ। सोया, तुझे घर से निकलते हुए मामू मिले, उन्होंने मुझे कहा कि घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिफा, उनकी दुआओं की वजह से तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तैयारी कैसी है? मैंने मना किया था माँ। क्यों जा रही हो रूसा यूनिवर्सिटी, क्या कर रही हैं आप वहाँ? ओहो तुम्हें क्या लग रहा है, मेरी मर्जी से जा रही है, मैंने इजाजत दी है। ये तुम्हारे डैड और वलीद की शह पे जा रही है। हद है यार, मेरी सारी प्लानिंग आउट कर दी। अच्छा बीनी, अब रहने दो ना, एक टॉपिक को लेकर तुम बस फंस जाती हो वहाँ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें क्या दिया मुँह दिखाई पे, दिखाओ ना मुझे। अभी तक तो कुछ नहीं दिया। What? मुझे तो लग रहा था कि 5 कैरेट का डायमंड सेट होगा। वो आज जा रही है अमेरिका। इतनी जल्दी? अच्छा मॉम जाइए, अगर ये भी टिपिकल सास की तरह निकली तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। बुरी बात है, शादी होगी तुम्हारी, सास है हाँ, अभी बर्दाश्त नहीं हुआ, और अगर वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे फिर? नेवर, बिना किसी की रोक टोक और गुलामी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर ये बताएं। मामा, वो ब्रेकफास्ट रेडी है, आप ही का वेट हो रहा है। सो स्वीट, चलो भी। प्लीज आप भी। थैंक यू, जीते रहो बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें वलीद भाई लेने आ रहे हैं क्या या नहीं? नहीं बुरुक सब बिनी घर गए हैं, तुम मुझे ड्रॉप कर दो। ओके आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। वलीद भाई हैं क्या? अम्मी का। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी, पेपर बहुत अच्छा हुआ है। जी जी बस मैं घर ही जा रही हूँ। जी वो लोग सब बिनी घर गए हैं। खुदा शीना, तुम एक काम करो, तुम जाके बिनी के साथ कमरे में बैठ जाओ, एंड प्लीज बिनी को कमरे से बाहर मत निकलने देना जब तक जाके मैं रोजी को एयरपोर्ट ड्रॉप करके आ जाऊं। ओके बॉस। चले चले मैडम, जहां कहें।
मैडम रोजी खुश तो हैं आप? खुश? दिया क्या है तुमने? सिर्फ 2 लाख रुपए? एक हफ्ते में 2 लाख रुपए, और इतने लाखों के जो तुम्हें गिफ्ट मिले उनका हिसाब कौन देगा मैडम रोजी? बहुत फायदेमंद वाला हफ्ता गया तुम्हारा। ठीक है ठीक है, आगे भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद रखना, भूलना नहीं। डेफिनेटली, तुम बड़ी काम की चीज हो वैसे, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। और एक बात और, अभी एयरपोर्ट में तुम्हें खुद ड्रॉप करने जाऊंगा, समझी? समझ गई स्वीटहार्ट, लेट्स गो। चल आगे आगे देखो होता है क्या। मैडम बीनी, शीना, एक सवाल पूछो, सच सच बताओगी? पूछो। ये राहिल की मॉम उसकी रियल मॉम है? क्या मतलब? मैंने मैथ्स का सवाल नहीं पूछा। राहिल की मॉम का बिहेवियर बहुत ज्यादा फेक और आर्टिफिशियल लगता है, जैसे सौतेली माँ का होता है। वाओ, अमेजिंग यार, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन तो बहुत स्ट्रांग है। और राहिल की स्टेप मॉम? सच कह रही हो तुम? मुझसे क्यों छुपाया राहिल ने? क्या बताता यार वो बेचारा, पता है वो तो उसे बिल्कुल अपनी रियल माम की तरह ट्रीट करता है, उसी तरह एहतराम करता है, उसी तरह मोहब्बत करता है, लेकिन वही है कि राहिल को पसंद नहीं करती, नफरत करती है ना उनसे। पता है वो ना राहिल के फादर की सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाना चाहती है। बहुत ही कंजूस सी लालची टाइप की औरत है। और हाँ, तुम ये बात प्लीज राहिल से मत करना। बिला वजह तुम डर रही थी, देखा मेरी बीवी कितनी लाइक है। थैंक यू। आप बताएं आपका विजिट कैसा रहा और बीनी कैसी है? बीनी ठीक है। अजय, छोटी बीबी आपको बेगम साहिबा लॉन में बुला रही। जी मैं आती हूँ। जी बिल्कुल। वली मैं आती हूँ। जाओ, एक मेरे अलावा तुम्हारे पास सबकी बातें सुनने के लिए टाइम, सबके लिए हर वक्त हाजिर जनाब रहती, बस मेरे लिए टाइम नहीं। तो ठीक है, अगर आप कहते हैं तो नहीं जाती। अच्छा, ताकि सारी बात मुझ पे आ जाए और मुझे डांट पड़े। चलो कोई जरूरत नहीं है मुझ पे बात रखने की, भागो यहाँ से। ओके। जी मामी। आज रात को राहिल और बीनी आ रहे हैं डिनर पे, ये मेन्यू है। मैं चाहती हूँ कि तुम रशीद के साथ मिलकर सारे अरेंजमेंट्स करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुबह को काफी एम्बैरेसमेंट फेस की मैंने। राहिल और उसकी अम्मी सोचते होंगे भाभी को नाश्ता लेकर आना चाहिए ना, तो यहाँ पे तो माँ मुंह उठा के आ गई है ब्रेकफास्ट के साथ। मामी, वली ने जबरदस्ती मुझे यूनिवर्सिटी भेज दिया था। प्लीज रहने दो, मेरे मासूम बच्चे के बारे में मत बोलो, अच्छी तरह से जानती हूँ किसके कहने पे क्या करता है। और सुनो, रशीद को कह देना कि जो भी सामान लाना है अभी ले आए, और ये सारी कुकिंग तुम करोगी। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूजेस। जी ठीक है।
मैं तुम्हें चैन नहीं लेने दूंगी अपने घर में। बढ़िया है। ठीक है बीपी, वैसे डिनर पे कितने लोग आ रहे हैं? पता नहीं, मामी ने तो दो लोगों का कहा है, बीनी और राहिल। मगर ये डिशेस तो 15-20 लोगों के लिए भी काफी है। अच्छा खैर, आप सामान वगैरह देख ले और अगर कुछ भी चाहिए तो अभी जाके बाजार से ले। मैं स्वीट डिश बना के रखती हूँ। जी मैं ट्रैफल के लिए आपको फ्रूट काट के दे देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। आप देखें कि फ्रिज में मटन, चिकन, फिश सब मौजूद है तो बाहर निकाल दें और मसाला तैयार करें। जी बेहतर। यार आई एम सो सॉरी, मैं इनवाइट ही नहीं कर सका। एक्चुअली सब कुछ इतना अर्जेंट हुआ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल घर पर आओ, डिनर करते साथ। नहीं नहीं, गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, इतनी फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये रूसा कहाँ रह गई? मामा के कमरे में गई थी इतनी देर। जाके देखता हूँ। अरे भाई क्या हो रहा है? नजर नहीं आ रहा। आपको क्या हो रहा है? मुझे तो सिर्फ तुम नजर आ रही हो। बीनी और राहिल आ रहे रात के खाने पर। रात के खाने पर आ रहे तो इतनी सुबह सुबह क्यों तैयारी शुरू कर दी है? खैरियत है? मामी जी ने इतनी लंबी लिस्ट दी है, बिरयानी, कोरमा, हलीम, अचार, गोश्त, चाइनीज और मीठा और मीठा भी, और मीठे में भी आइटम्स है बहुत सारे। एक मिनट, ये आप दोनों मुझसे मजाक कर रहे हैं या नहीं? हम सच कह रहे हैं। आर यू मैड? ये सारा खाना तुम बनाओगी? तुम पागल हो गई हो? रात भर तुम जागती रही हो, अपनी हालत देखी है तुमने? तुम ये सब छोड़ो, रशी चाचा बना लेंगे, और अगर कुछ नहीं बना सके तो हम ऑर्डर कर देंगे बाहर से। नहीं वली, बाजार से कुछ भी नहीं, मामी को पता चला तो बहुत नाराज हो जाएंगी। भरोसा, ये कोई हमारे घर में नई बात नहीं है, हमारे घर में बाहर से खाना आता रहता है। और बीनी वो तो हर वक्त ऑनलाइन ही ऑर्डर करती है, तो प्लीज तुम आ जाओ, हाथ धो। अच्छा रशी चाचा, ये साला ना आपने ठीक से। रशी चाचा को सब कुछ पता है, इस घर में ये बहुत पुराने हैं, इन्हें सबकी चॉइस का पता है, ये हैंडल कर लेंगे। हाथ धो, हाथ धो। दीदी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हो गई तसल्ली, संभाल लेंगे। आइए रशी चाचा, कर लीजिएगा। अरे बेफिक्र हो जाए बेटी आप। थैंक गॉड कि आप मुझे ले आए। मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी डोलती कश्ती में सवार हूं मैं। लेकिन तुम तो वहां बहुत टार्जन बनकर गई थी। खौफ चींटी को हाथी और हाथी को चींटी जितना बना देता है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम मामा से इतना डरती क्यों हो? वो तुम्हें जान से थोड़ी मार देंगे। सिलत का खौफ इंसान को कमजोर बना देता है, और जब किसी इंसान को बेइज्जत किया जाता है तो उसकी जात की नफी की जाती है, फिर जिंदा रहने को जिंदगी नहीं कहते। मैं दूसरों को तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा वजूद मेरे लिए बहुत अहम है। अहम तो आपके घर वाले भी हैं आपके लिए, बस वो मुझे अहम नहीं समझते। मैं कमजोर इंसान नहीं, मगर आप बहुत सारे रिश्तों में बटे होते हो ना, तो ये तकसीम इंसान को कहीं ना कहीं कमजोर कर देती है। जानती हूँ। तुम्हारा ये भरोसा मुझे और मेरे इरादों को और मजबूत करता है। थैंक यू वलीद। थैंक यू। इतनी लंबी लिस्ट दी है, बेचारी को शाम तक होश ही नहीं आएगी। वेरी गुड मॉम, इसी तरह टॉर्चर करेंगी तो वो वहां से भागेगी।
तुम तो जानती हो बीनी, मेरा भी यही मकसद है, बस वलीद की वजह से थोड़ी सी मोहतात हूँ। गुड, अच्छे से काम करती हूँ। चलिए मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करूंगी, अभी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ओके मेरी जान, आई लव यू। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, सब मिठाई खाएं। और नीलो अब तो तुम मिसेस इदरीस बन गई हो, वीजा कब आ रहा है तुम्हारा? बहुत जल्द, इदरीस कह रहे थे अब उनसे इंतजार नहीं हो रहा। हाय अल्लाह, इतनी बेताबी। वैसे तुम ना मुझे दुआएं दो, मैंने अपने भाई का ख्याल नहीं किया और तुम्हारी जिंदगी बना दी। हाँ ये तो है, चलो इस एहसान के बदले मैं तुम्हें परफ्यूम, लोशन और शैम्पू भिजवा दिया करूँगी। ये सब तो ना पाकिस्तान से भी मिल जाता है। दो नंबर मिलता है बहन, वहाँ ना सब असली होता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम ऐसा करना, डॉलर भिजवा देना बहुत सारे, या रुको ना, ऐसा करना कि अपने भाई को वहाँ बुला लेना, मैं भी आ जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा ईमान से। देख लिया अम्मा कितनी चालाक है तुम्हारी बहू, अब समझ आई मुझे, लालच थी, मदद थोड़ी थी ये। खुलूस को ना लालच नहीं कहते, अपनाइयत कहते हैं, वैसे भी ना अपने ही अपनों के काम आते हैं ना मौसी। अच्छा ठीक है, जब मैं पहुंच जाऊंगी तो फिर कोशिश कर लूंगी, अभी मुझे जाने तो दो। कहां जा रहे हैं आप? सारा दिन सोते रहते हैं, रात को घर से बाहर चले जाते हैं, हर वक्त घर से बाहर। तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ है मुझे, क्योंकि जिन लोगों से उधार लिया है ना, वो रोजाना दिन रात बेल बजाते रहते हैं, जलील करते हैं मुझे। कहां से दूं मैं उनके पैसे, घर चलाऊं, सिलाई करूं, क्या करूं, और घर के दोनों मर्द फारिग बैठे हुए हैं। बेटे से कहो करे वो कोई काम। नहीं सुनता वो मेरी बात, जबानी कलामी हजार दफा कह चुकी हूँ, अब सिर्फ जूते लगाना बाकी रह गए। भाई मैंने तो कोई कर्ज नहीं लिया, जिसने कर्ज लिया है वो जाने। सफीम मैंने आपके कहने पे लिया था, आपने कहा था बैंक से 2 लाख मिल जाएगा, उन्हीं 2 लाख से तो मैंने इन सब कर्जदारों का कर्ज उतारना था। सलीम कैसे भाई? वो बैंक वाले 2 लाख तो तुम भूल ही जाओ। जा क्यों? वो नहीं मिलने वाले, खत्म। क्यों नहीं मिलेंगे? मैं कहां से इन लोगों के पैसे उतारूंगी सलीम? घर की कोई चीज भेज दो। घर की चीज? क्या क्या बेचूं मैं इस घर की चीज? ये इस्तेमाल शुदा फर्नीचर, पुराने बर्तन, क्या चीज बेचूं? आप मजाक कर रहे हैं ना सलीम? अरे मेरा तुम्हारा कोई मजाक है भाई? संजीदा बात कर रहा हूँ, और 100 बातों की एक बात है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास 1 पाई भी नहीं है। हाँ तुम चाहती हो तो रूसा से बात कर लो, तुम्हारी कोई मदद कर देगी। बेटी से मांगू? पहले बगैर जहेज के, बगैर किसी चीज के, उसे बोझ की तरह उतार कर फेंक दिया, अब मैं उससे कहूं कि घर के खर्चे भी चलाए? मैं नहीं कर सकती ये, मैं तो मर जाऊंगी। मैंने कहा भाई मेरी पसंद से शादी की तुमने, उसकी पसंद की शादी करवाई, मेरा क्या गुनाह भाई, जो करना करो। सही है? परफेक्ट। रियली? या। थैंक यू। बेगम साहिबा, रूसा बीबी ने खाना तैयार करके टेबल लगा दिए, आप मेहमानों को लेके चलिए। हाँ, और रूसा कहाँ? जी वो बड़े साहब को लेकर आए। ओके चलो बेटा। आओ राहिल, आज हम तुम्हें रूसा के हाथ का खाना खिलाते हैं। हाँ तुम हमेशा तारीफ करती हो, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आज ट्राई भी कर लेते। चलो आफ्टर यू। कम इन। मामू जान सब खाने पे आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज चलें।
मेरा खाना यहीं भिजवा। आप कब तक बीनी को अवॉइड करेंगे? मैं बीनी को अवॉइड नहीं कर रहा। अगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं भी नहीं मिलूंगा उससे। बच्चों की इज्जत और बेवकूफी पर बड़ों का रिएक्शन वैसा ही नहीं होना चाहिए, वरना घर और रिश्ते दोनों टूट जाते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं आप बीनी का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम चलो, मैं आता हूँ। भाई, ये कबाब और चिकन किसे बनाए? किसी ने नहीं बनाए, ऑनलाइन ऑर्डर किए रेस्टोरेंट से। रेस्टोरेंट से? हाँ मामा, एक्चुअली बीनी हमेशा उसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करती थी। इसका फेवरेट है और ये सब तो इसे बहुत पसंद है। लेकिन मैंने अरूसा को कहा था कि सब कुछ घर पे पकाए। एक्चुअली मैं तो बाहर का खाना पसंद करती हूँ, मगर राहिल सिर्फ घर का ही खाना खाते हैं। इसीलिए मैंने माम को बता दिया था कि अरूसा से कहीं खाना बनाने को। मसी का बनता। और इसीलिए मैंने अरूसा को अच्छी तरह से समझा दिया था, लेकिन क्या पता शायद ये भूल गई। हद है गैर जिम्मेदारी की। बेहतर होता अगर मैं सारा खाना खुद पकाती। नहीं नहीं मामा, वो भूली नहीं थी और वो बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार नहीं है। एक्चुअली मुझे जब पता लगा कि इतना सारा खाना सिर्फ अरूसा को ही बनाना है तो मैंने उसे मना कर दिया कि वो ना बनाए, क्योंकि अकेली तो वो सब कुछ नहीं बना सकती थी। मैंने सोचा ऑनलाइन ऑर्डर कर देते और वो भी बीनी के फेवरेट रेस्टोरेंट से। बीनी को तो बहुत अच्छा लगेगा। इट्स ओके आंटी, कोई बात नहीं। भाभी का सुबह पेपर था और इतना सारा खाना तो बनाया मैंने। आप मुझे शर्मिंदा करें। मैं आपको शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि आई एम वेरी सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। आप पहली दफ़ा हमारे घर आए हो, मैं चाह रही थी कि आप घर का पका हुआ खाना खाओ। और प्लीज़ आंटी, आप परेशान ना, आपको देखकर मुझे नदामत हो रही। पता नहीं बिनी ने आपको क्यों बताया कि मैं घर का खाना खाता हूँ। इट्स ओके, वैसे खाना बहुत टेस्टी बना हुआ है, आप तो खाए ना। चलिए ट्राई करें डैड। आप बेटा तुम भी खाना खाओ। बस ना हो जाए, मुझे भूख नहीं है। आप लोग खाना खाए। रशीद भाई, जरा आप जाके मेरी गाड़ी साफ कर देंगे? जी बिल्कुल। हाँ बात करें। ठीक है मकर। थैंक यू। वैसे तुम्हारे घर में कोई इज्जत नहीं करते, तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन निकाल कर तुम्हें मुंह के बल गिराकर अपना बदला नहीं दिया तो मेरा नाम भी राहिल नहीं। वैसे ये सब कुछ करना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सब कुछ तो मैं तो फरीद भी डिफेंड नहीं कर सकता। रूसा भाई, मैं भाभी से सॉरी करने के लिए आया था। फजूल में आंटी ने मेरी वजह से इन्हें बहुत डांटा, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ हुई मुझे। भाभी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, सो सॉरी बन सकता। राहिल ये सब की जरूरत है, हम सब जानते हैं मामा का गुस्सा कैसा है, उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। बट डोंट वरी, शी विल बी फाइन। आयुषो या शुक्र है आपको तसल्ली दो, वरना यकीन करें मुझे रात को नींद भी नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ। इट्स ओके, रिलैक्स, तुम टेंशन ना लो। सॉरी प्लीज।
मैं ये कहने आया था कि तुमने खाना नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया, हम दोनों साथ खाएंगे। बिनी, यार मैं तो आंटी को बहुत सीधा साधा और डरी डरी सी खातून समझता था, लेकिन शी इज सो ब्रेव, शी इज सो स्ट्रॉन्ग, ओ माय गॉड। तुमने देखा किस तरह वरीद के सामने उरूसा की धुलाई कर दी, मजा ही आ गया। मुझे भी बहुत आ गया, तुमने उसके शर्मिंदगी से रंग देखा, सफेद पड़ गया था। एग्जैक्टली। क्या हुआ, क्या याद आ गया? यार एक बहुत बहुत दिलचस्प बात याद आ गई, मजा ही आ गया। बताओ। राहिल बताओ यार। अरे यार बता दूंगा लेकिन वक्त पर। नॉट नाउ। कब आता है तुम्हारा ये वक्त? मेरी जान ये वक्त किसी का भी नहीं होता, बस वक्त आने पे वक्त भी आ जाता है। प्लीज रोना तो बंद करो, देखो तुमने रो रो के अपना क्या हाल बना लिया है, प्लीज संभालो खुद को। इतनी हैसियत और शर्मिंदगी के बाद खुद को संभालना आसान होता है वली? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि वक्त की नजाकत देखकर रिएक्ट करने में ही मसलहत होती है। मामा को गुस्से में समझाना, उन्हें मजीद तेज दिलाना होता और मामला और खराब हो जाता, वो भी राहिल के सामने। राहिल के सामने ही तो आपने मेरे फेवर में कुछ बोलना था, फरीद मामी तो मेरी सास है, उनकी बातों से मुझे इतनी अजियत नहीं पहुंची, लेकिन आपकी खामोशी ने मुझे बहुत दुख दिया। मेरी खामोशी का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता या तुम्हारे हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन मेरा हाश रिएक्शन उस वक्त के लिए ठीक नहीं था। उरूसा इससे कोई सलूशन नहीं निकलता। देखो मैं मामा से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा। खुदा ना खास्ता मैंने मेरे बीनी को इस घर में आने से नहीं रोका और ना मैं रोक सकती हूँ, लेकिन वलीद आपको इस घर में होने वाली इंसल्ट को रोकना होगा और आप रोकेंगे। मैं हैंडल कर लूंगा, प्लीज मुझे ठीक कर लो। बताओ बातें वो दिल की, दिल ही समझ।